इसलिए बेटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वाह, ये भी एक मर्यादा है। पिता का निर्णय है, माँ बाप का निर्णय है, इसलिए इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी एक लड़का कुछ समय तक मेरी सेवा में रहा, आगरा का है वो, मेरी सेवा करता था। कहता था, गुरुदेव मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? मैंने कहा विश्वास कर, लगेगी। भगवान की कृपा हुई, केंद्रीय गवर्नमेंट की जॉब मिल गई उसे, और नागपुर में जाकर के वो शिफ्ट हुआ। जब उसके विवाह की चर्चा हुई तो यही उसने कहा कि तीन हमारे विवाह के जिम्मेवार हैं, माता पिता और गुरु। उसके यही शब्द थे, माता पिता और गुरु। बहुत लोगों के फोन आए, फोटो आई, जाने क्या क्या नहीं लोगों ने भेजा। बड़ी अच्छी सर्विस लगी उसकी, वो तमाम लोगों के संदेश पहुंच गए, और फोटो वोटो जाने क्या क्या लोगों ने सब। उसने कहा तीन निर्णायक हैं मेरे विवाह के। कहे फोटो देखो, बोले मुझे फोटो भी नहीं देखना है, मुझे घर नहीं देखना है, मुझे उस लड़की को भी नहीं देखना है, मुझे तो माता पिता की जवान को देखना है, उनकी जो जवान हो जाएगी वही मेरे लिए सरमाथे। देखिए आज भी ऐसे बेटे, अच्छी बात नहीं, आज भी ऐसे बेटे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप का आदर करो, गुरु का आदर करो, बड़ों का आदर करो। श्री जानकी जी मौन है, सुनैना जी भी मौन है कि मेरा पति साधारण नहीं है, ज्ञानी मेरा पति है, राज्य का राजा मेरा पति है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मेरे पति का आदर करते हैं, मैं अपने पति को समझाऊं जाके? नहीं नहीं नहीं, तो फिर ऐसी बात क्यों कह रहा है तुम्हारा पति सुनैना जी? बेटी के विवाह में जो है, जबकि नियम है जो घर वर कुर हो अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, लेकिन ये स्वतंत्रता कैसी है कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। सुनैना जी ने कहा कि मेरा पति जो बोल रहा है वो विधि का विधान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विधि का विधान बोल रहा है, इसलिए विधि के विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बस इतना कहकर के सुनैना जी ने किनारा कर लिया। अब आप देखें, विचार करें, सीता जी से कहा कि तुमने क्या सोचा है? कुछ सोचा है? पिता से कह नहीं सकते हो? कहा नहीं, मैं पिता से नहीं कह सकती हूं, लेकिन परम पिता से कह सकती हूं। किससे कह सकती हूं? परम पिता से। और श्री जानकी जी कहां पहुंच गई याद रखना। आहा, ये रामायण है इसलिए कहता हूं, धन्य है ये ग्रंथ, आचार्य संहिता है प्यारे। आचार्य संहिता को जिसने समझ लिया उसका जीवन बन गया। उसके जीवन कैसा जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता है। जानकी जी ने कहा मैं पिता से नहीं कहूंगी, फिर मैं तो परम पिता से कहूंगी, इसलिए मंदिर जा रही हूं। कहां जा रही हूं? मंदिर। तो पूजन गौर सखी ले आई, 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 करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, मजन कर सर सखन समीता, मजन कर सर सखन समीता, गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौर निकेता। सीता जी पिता के पास गई के माँ के पास गई के गौरा जी के पास गई? बोलो, गौरा जी के मंदिर गई, सीधी मंदिर। बोलो ये मर्यादा है कि नहीं? बेटियां भगवान से प्रार्थना करें, सब कुछ मिलेगा। जब सीता जी को मिल गया तो तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा।
सीता जी ने ये परंपरा दी है। वो स्वयं में सर्वशक्तिमान है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम क्लेशारिणीम, संसार के क्लेश का हरण करने वाली है वो, सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। लेकिन आज शिक्षा देने के लिए वो सीधी मंदिर गई। मैं प्रार्थना करूंगी, किससे प्रार्थना करूंगी, गौरा जी से प्रार्थना करूंगी। मंदिर में गई, मंदिर में देवी भी रहती है और देवता भी रहते हैं, क्यों भाई रहते हैं कि नहीं, अगर गौरा जी हैं तो शंकर जी होंगे नहीं होंगे क्या, अरे नहीं होंगे उस समय तो बाद में आ जाएंगे, वो तो गौरा जी हैं तो शंकर जी कहां चले जाएंगे, क्यों भाई, पत्नी जहां है वहां पति है, जहां पत्नी है वहां पति है, इसलिए गई मुदित मन गौर के ता। गौरा जी के मंदिर में निकेत मानी भवन, भवन मानी मंदिर, जहां देवता है वो मंदिर पहुंच गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा निजी अनरूप सुभग वर मांगा, निजी अनरूप सुभग वर मांगा, मेरे अनरूप मुझे वर मिले। तो अनुरूपता तो पहले उम्र की होनी चाहिए, क्यों भाई होनी चाहिए कि नहीं, मैं पहले जो घर वर कुल होए अनुपा, घर अच्छा वर अच्छा कुल अच्छा, पिता ने प्रयास नहीं किया, बोलो नहीं किया ना। लेकिन बेटी कहां गई है, बोले बेटी किसी के दरवाजे पर नहीं गई, वो तो मंदिर गई सीधी, और मंदिर के देवता से प्रार्थना कर रही, देवी से प्रार्थना कर रही है कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मेरे अनुरूप वर मिलना चाहिए, मेरे अनुरूप वर। अच्छा अच्छा ठीक है मिलेगा, और क्या चाहिए, कहा मेरे अनुरूप वर भी मिलना चाहिए और मेरे अनुरूप वर का परिवार भी होना चाहिए, परिवार भी अनुकूल हो, नहीं तो मान लो पति अनुकूल है और सास ताड़का है, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई गड़बड़ हो जाएगा, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, जब देखो तब आंखें निकाले रहे, कंडीशन ऐसी भी आ जाती है। देखो केवल बहुओं को ही दोष नहीं देना चाहिए, केवल बहुओं को ही दोष नहीं देना चाहिए, बहुएं खुश हो गई, महाराज अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बुलाए महाराज को, खुश हो गई बहुएं, क्योंकि फेवर की बात, किसी के फेवर की बात हो तो क्यों भाई प्रसन्न वो हो ही जाता है। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, पक्षपात की नहीं कर रहा हूं, बहू तुम्हारे घर में आई है, दूसरे की बेटी आई है, जब दूसरे के बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है तो तुम्हारी बेटी भी तो दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जब तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी तो तुम क्या कामना करोगी कि मेरी बेटी सुखी रहे, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, जैसा मैं प्यार कर रही हूं वैसा मेरी बेटी को प्यार दूसरे के घर में, बोलो ये कामना है कि नहीं, जल्दी बोलो, सबने गर्दन ला दी। तो जब तुम अपनी बेटी के लिए सोच सकती हो तो दूसरे की बेटी के लिए भी सोचो ना, उसकी माँ भी तो सोच रही होगी कि मेरी बेटी को जैसा मैं प्यार दे रही हूं वैसे ही प्यार वहां मिले। लेकिन एक बात बहुओं को भी सोचना पड़ेगा, क्या ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी माँ से कितना प्रेम करती थी, मैं अपनी माँ से कितना प्रेम करती थी। याद रखना वो बेटियां हैं घर में कि माँ अगर रो रही है तो माँ के आंखों के आंसुओं को सबसे पहले बेटी ने ही पहुंचा है, कोई बेटा नहीं गया, क्यों, किसने पहुंचा है, बेटी, और केवल बेटी ने मां के आंखों के आंसुओं को नहीं पोंछा है, बाप के भी आंखों के आंसुओं को पोंछा है बेटी ने। इसलिए पुत्री पवित्र किए कुल दो, कुल दो का अर्थ है दोनों कुल तूने धन्य किए, बेटी दोनों कुलों का ध्यान रखती है। एक घटना मुझे स्मरण हो आई, एक घटना मुझे याद आ गई, क्योंकि ये जनकपुर का प्रसंग चल रहा है ना, क्यों भाई चल रहा है ना जनकपुर का प्रसंग। देखो विवाह की कथा तो विवाह तो हो ही जाएगा,
लेकिन मूल बातें तो सुनो जरा, तब तो काम चलेगा। क्यों भाई? नहीं विवाह का तो हम लोग एक चौपाई में कराने, सीए जयमाल राम और मेली या फिर रामचंद्र की, हो गया विवाह। आगे बढ़ो, ऐसे कैसे आगे बढ़ो? क्यों भाई? पहले समझ लो, ठीक से समझ लो। इसलिए आइए ध्यान से सुनो, बेटी वो होती है जो माँ के आंसू भी पहुंचती है और बाप के आंसू भी पहुंचती है। अभी गर्मी आ चुकी है, कुछ दिन के बाद भीषण गर्मी पड़ेगी। गर्मी तो अभी भी बहुत तेज हो गई है, लेकिन आगे तो और गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़नी। अभी तो अप्रैल है ही, क्यों भाई? अभी तो आधा अप्रैल भी नहीं हुआ है, गर्मी भीषण हो गई है। मालवा की विशेषता है कि रात्रि में थोड़ी ठंडक हो जाती है मालवा में, ये विशेषता यहाँ देखिए, मैं रात्रि में ठंडक हो जाती है, और जगह रात्रि में ठंडक नहीं होती, दिन रात आवा जैसा जलता ही रहता फटता, लेकिन यहाँ रात्रि में ठंडक हो जाती है, ये मालवा में और जगह नहीं। अच्छा आप कहो महाराज और जगह ठंडक, हिमालय में गर्मी ही नहीं होती, ठंडा ही ठंड, ठंड ही ठंड उसमें, जून जुलाई अगस्त कभी चले जाओ हिमालय पे तुम। हाँ अच्छा, ज्यादा ठंडा ही ठंड में रहो तो अच्छा लगेगा, तुम ठिठुरते रहो जिंदगी भर, जिंदगी भर भट्टी लटकाए रहते हैं, अंगीठी समझ गए उसके सहारे रहते हैं। कितना बढ़िया तुम्हें जन्म मिला, किस क्षेत्र में मिला कि दिन में गर्मी तो रात में ठंडी, बोलो मिला ऐसी जगह जन्म मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? क्या भगवान ने कृपा की तुम्हारे ऊपर, गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी, लेकिन रात में शीतलता का अनुभव गर्मी में भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात का अनुभव, हर मौसम का आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो? और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, कहीं नक्सली प्रभावित किए हैं तो कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ मचा रहे हैं, कहीं कुछ, ये सारा सीमाओं पर हो रहा है, वितंडावाद हो रहा है कि नहीं? लेकिन तुम ऐसे बीच में बसे हो कि आनंद ही आनंद हो रहा है, बोलो आनंद ही आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? लोग कहते हैं कश्मीर में सेव और यहां संतरा, सेव का आनंद हुआ है, यहां संतरे का आनंद है, बोलो है कि नहीं संतरे का? एक बात बताओ, बिना दांत वाले सेव खाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हो, संतरा? क्यों भाई? बच्चा पैदा हो तो संतरे का रस कोई दिक्कत नहीं, आराम से, और सेव चाहे जितना किसो, लेकिन छोटे बच्चे को बोलो खिला सकते हो उसे, तो फिर ऐसा फल मिला तुम्हें संतरा, कृपा है ये भगवान की? बोलो है कृपा कि नहीं है? क्या है? कृपा है, ये कृपा ही कृपा है। एक झारखंड में हम एक जगह गए थे, हमने कहा तुम्हारे यहाँ फल होता है कोई? बोले महाराज यहाँ धतूरा होता है। अरे राम, धतूरा होता है? वो धतूर का फल होता है ना? हाँ, क्या बोलते थे? धतूरा ही बोलते हैं। बोले महाराज धतूरा, हमने कहा चुप रहो, बात मत करना, बात मत करना। कहे महाराज हमारे बैजनाथ धाम है ना, शंकर जी बैठे। हमने कहा शंकर जी तो उज्जैन में भी बैठे हैं, शंकर जी कहाँ नहीं बैठे? केवल यही बैठे हैं शंकर जी? शंकर जी कहाँ नहीं बैठे? बोलो भाई सब जगह शंकर जी बैठे हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ धतूरा ही होता है, तो तुम कितने भाग्यवान हो। बहुत आनंद है, परमानंद है। मिथिला की विशेषता वहाँ आम ज्यादा होता है। जनकपुर हम गए, मेरी कथा हुई है जनकपुर धाम में, जैसे नौ दिन की कथा यहाँ हो रही है, वैसे मेरी नौ दिन की कथा जनकपुर जानकी महल में हुई थी। वहां पर आम बहुत अच्छा होता है, आम भी बहुत अच्छा होता है, बोलो होता है कि नहीं? क्या कहना, आम बहुत अच्छा होता है। आम की भी बड़ी विशेषता है और संतरा की भी विशेषता है। संतरा का रस क्यों बहुत आनंद देता है, और आम, आम का तो यह है कि खाते रहो गुठली भी उसकी अंदर नहीं। क्यों भाई? ऐसा कौन होगा कि ग्रास तुमने अंदर दिया और फिर बाहर करके दोबारा उसको दो बोलो, बताओ जल्दी बोलो, ऐसा कोई व्यंजन है? अरे रसगुल्ला भी एक बार चला गया, उसमें कूड़ा कचरा कंकड़ हुआ तो फिर उसको बाहर, फिर ये नहीं कहते हो कि कंकड़ निकाल के? लेकिन आम एक ऐसा है आम ऐसा कि उसको खाया फिर एक्सरसाइज ही करते रहते हो मुंह। क्यों भाई?
व्यायाम होता रहता है, रामदेव से ज्यादा व्यायाम करा देता है आम। क्यों भाई, करा देता है कि नहीं? बाबा रामदेव से ज्यादा एक्सरसाइज व्यायाम आम कराता है। और अगर धोखे से नीचे गिर जाए, इधर उधर देख, फिर आनंद लेते हो। क्यों भाई, आम की विशेषता है, देख जरूर लेते हो, इधर उधर कोई है तो नहीं रहा है, मुझे देख तो नहीं रहा है। तो भाई बात यह है, आनंद लो, आनंद लो। मिथिला में आम की विशेषता है, आम के बगीचे बगीचे, जैसे यहाँ संतरे संतरे के बगीचे हैं, वैसे वहाँ आम आम के बगीचे, किलोमीटरों तक आम ही आम के बगीचे, अमराइयाँ। भगवान राम को सबसे पहले अमराई मिली थी ठहरने के लिए, अमराई में राम जी ठहरे हैं, है ना। तो ये आनंद की बात है, फलदार वृक्ष हो, वृक्ष तो हो लेकिन फलदार हो तो क्या आनंद है। यहाँ वृक्ष हैं लेकिन फलदार वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष नहीं है ज्यादा, लेकिन वृक्ष तो हैं लेकिन कैसे हैं, फलदार वृक्ष हैं। अच्छा, फलों में भी टेस्टी फल, वो भी नहीं टेस्टी फल। अच्छा एक बात बताओ, संतरा होता और नींबू जैसा खट्टा होता तो भाव मिलता, कोई खरीदता? कहते धरे रहो खेतों में, मीठा निकला, भाव अच्छा मिल गया। बोलो मिल गया भाव अच्छा कि नहीं? और पाने वाले ने कहा यार महंगा जरूर है लेकिन आनंद आ गया, तारीफ कर दी उसने। क्यों तारीफ कर दी कि नहीं? और माल अच्छा नहीं होता, अच्छा रस तुमने भरा क्या, कोई सरंज से रस भरा तुमने? क्यों भाई, ये तो कुदरती है कि नहीं? ये क्या है, ये कुदरती है, ये तुम्हारा प्रयास नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। क्या है? परमात्मा की कृपा है। महाराष्ट्र फैल हो गया, महाराष्ट्र में विशेषता है संतरा की खेती, फैल हो गया, तुम्हारे आगे फैल हुआ, इसलिए कि तुमने नहीं किया फैल, तुम्हारे भाग ने भगवान की कृपा ने आनंद दे दिया है तुम्हें। ऐसे ही तुम्हारा भाग बढ़ता रहे, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करता रहे, और प्रतिवर्ष तुम्हें ये संतरा के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त होता रहे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। अन्न के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो, फलों के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो, बस सेवा करते रहना, अच्छा कार्य करना इन हाथों से, धन ज्यादा आ जाए तो बर्बाद मत करना, अच्छा काम करना, यज्ञ करना, संतों की सेवा करना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, अपनी बेटियों का भी समय से विवाह करना, और पारमार्थिक प्रकल्पों में अपने धन को सदा समर्पित करते रहना, चौगुना बढ़ता रहेगा, चौगुना बढ़ता रहेगा। ये मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं आपको। आज गौड़ा जी से प्रार्थना की सीता जी ने, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजियन रूप सुभग बर मांगा। न मां से कहा, न बाप से कहा, न सहेलियों से कहा, सहेलियों से भी नहीं कहा। आजकल सहेलियों से खबर पहुंचाई जाती है ना, हमारे माँ बाप को जरा कह दो, थोड़ा माँ से जाके कह दो कि थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। सहेलियां साथ में जा रही हैं लेकिन बात नहीं कर रही हैं वो, और सीता जी कह रही चलो हमारे साथ, कहा बोले मंदिर में चले चलो, तो सहेलियों को मंदिर तो ले जा रही हैं लेकिन प्रार्थना गौरा जी से कर रही हैं। निज अनुरूप, अनुरूप बर मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, बर अनुरूप, और कहा कि सास भी अनुरूप, और बोले ससुर भी अनुरूप, अच्छा और नगर भी अनुरूप, क्योंकि घर अच्छा है, नगर का वातावरण ठीक नहीं तो गड़बड़। बोलो भाई, नगर का वातावरण अच्छा ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए नगर भी अनुरूप। और हे मां, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं कमला नदी के तट पर मेरा जन्म हुआ है, मैं जाऊं बहू बन करके तो वहां भी एक तट मिलना चाहिए, तट मिलना चाहिए, ऐसा नगर मिले, सब कुछ मांगा। अच्छा बोलो, गौरा जी ने दिया कि नहीं दिया? दिया, जो मांगा था वही दिया। क्या क्या दिया सुन लो जन, मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, ओ करुणा निधान सुजान
राज सुंदर सामरो मन गाहे राज सुंदर सामरो सहज सुंदर सामरो सहज सुंदर सामरो सहज सुंदर सामरो। इसका मतलब है कलर की भी च्वाइस। क्यों कलर आजकल कलर